शुगर का बीपी का सब जानकारी देते हैं। सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार और ये मामला मुकदमा का कानून कायदा उसमें में तो हुआ है और आगे प्रयास कानूनी लड़ाई है, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी है, दो को हो गया और तीसरा में राजनीति वाला में है जो पार्टी को संगठित रखा जाए और गैर भाजपा को एकजुट किया जाए और भाजपा को पछाड़ने के लिए आंदोलन लड़ाई शुरू किया। रघुवंश बाबू, झारखंड में क्या होगा? झारखंड में महागठबंधन, झारखंड में महागठबंधन को जारी रखना है, उसको प्रयत्न करना है कि गैर भाजपा दल एकजुट हो, भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा न हो, ये अंतिम तक प्रयत्न रहेगा। सभी नेता जो है गठबंधन के गैर भाजपा के सभी से आग्रह और प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल करके मिल बैठ करके सीट का तय करेंगे और वोटों का बंटवारा न हो भाजपा के खिलाफ वाले का, थोड़ा अंतिम तक हम लोग प्रयत्न। बिहार में राजद को कैसे मजबूत करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम जो है सिवाय लड़ाई के दूसरा रास्ता है नहीं। जनता की समस्या पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, विधि व्यवस्था खत्म है, रोज दिन मार काट हत्या है, किसान बाढ़ सुखाड़ से तबाह है, जल जमाव से, नदी के कटाव से लोग तबाह है, ये सारी समस्याओं पर लड़ाई लड़ी जाएगी। संगठन में खामी जो है उसको कैसे, संगठन में संघर्ष शुरू करेंगे तो संघर्ष दुरुस्त, संगठन दुरुस्त हो जाएगा और संगठन हमारा दुरुस्त होगा तो संघर्ष होगा। कह रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, 10x10 के कमरे में बंद कर दिया गया है, उनको जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा। भोला बाबू कह रहे हैं लालू जी को जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जा रहा है, आम कैदी को 5-10 आदमी रोज मिलता है और इनको 3 आदमी। यहाँ का मैनुअल अलग है कि बिहार का मैनुअल अलग है, देश का मैनुअल अलग है, ये हम लोग छानबीन कर रहे हैं लेकिन यहाँ मेल जुल तीन से मुहे जरूर गड़बड़ी और नीचे रखी हो रही है। सामने देखिए सर, पिछले दिन जेडीयू ने आरएसएस के लिए जासूसी का है, जेडीयू पर आरएसएस के लिए जासूसी का आरोप लगा तो उन लोग का दोनों घेटा जोड़ी किए हुए हैं तो दोनों एक दूसरे के जासूसी कथी ना करेगा, दोनों तो एक के हैं। जासूसी कर रहा है तो उसका जवाब दे लोग। आरएसएस के जितना हिंदू पुत्र संगठन, विश्व हिंदू परिषद, ये देखिएगा ये सामने सब के खोज पुछार नीतीश कुमार खर कर रहे हैं और देखा की कर रहे हैं, ना हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। अफसर बिना हुक्म के खुफिया विभाग सक्रिय होता है, इसीलिए सब उनका भंडाफोड़ हो जाएगा ऐसा विभाग। बिहार में नया समीकरण बन रहा है, आप लोग बना रहे हैं क्या? गैर भाजपा को एकजुट करना है, यही समीकरण देश को बचाएगा।